ऐसा कैसा एरिया है यार? अरे मैम, पहले आप घर तो देख लो, बिल्डिंग बिल्डिंग है, बाजू में टावर भी हो रहा है, एरिया भी अच्छा है बहुत, लोग भी अच्छे हैं। मुझे ना आपके बाथरूम चाहिए घर के अंदर, और लोग भी थोड़े ढंग के चाहिए। मैम आप, मैं आप 2 साल पहले आपको एक फ्लैट दिलवाया था आपके फ्रेंड के साथ, वहाँ पे क्यों नहीं रहती हो? वो अभी उसकी तो शादी हो गई ना यार लॉकडाउन में, और अभी तो उसका हस्बैंड भी है साथ में, तो यू नो थोड़ा मैरिड लोगों को प्राइवेसी भी चाहिए। हाँ, और प्राइवेसी सिंगल लोगों को भी चाहिए। और कितनी देर यार, इतने अंदर तो ऑटो भी नहीं मिलेगी फिर रोज। आप एक साइकिल ले लो ना, इधर ही मैडम है। ये तो काफी बड़ा घर है। है ना मैडम? हाँ, एरिया थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन घर अच्छा है। हाँ मैडम। आप वो क्यों खोल रहे हो, आप मुझे मेन डोर से दिखाइए ना। वो तो मैडम मालिक का घर है, ये आपका घर है। यादव जी, मेरे बजट में मेरी 3-4 रेंट अच्छी सोसाइटी में रह रही है, और आप मुझे ये सब दिखा रहे हो। मैडम जी, उनको भी फ्लैट मैंने दिखाया था। तो मेरे से दुश्मनी है क्या? नहीं मैडम जी, उनको और आप में कुछ फर्क है ना, आप सोचो जरा। आप मुझे कोई और फ्लैट दिखाइए। ओके मैडम। अब देखिए मुझे, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये कैसे फ्लैट दिखा रहे हो आप मुझे? मैडम बिल्डिंग के फ्लैट अच्छे होते हैं, कितने बड़ा भी है। हाँ, पर मुझे 2 लड़कों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और इनको तो मैं जानती भी नहीं। मुझे लगा आपको चलता होगा। चलता होगा का क्या मतलब? देखो मेरे पास आज ही का दिन है, और मैं फ्रेंड के यहाँ नहीं रुक सकती, कल से मेरा काम भी शुरू हो रहा है। आपसे हो रहा है तो आप मुझे बताइए, वरना मैं दूसरे ब्रोकर को पकड़ती हूँ। ओके ओके मैडम, करता हूँ मैं। कैसा लगा घर आपको? घर बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। वैसे बिल्डिंग तो मॉडर्न है, बट बॉयज और पार्टी जितना कम हो उतना अच्छा होगा। हाँ हाँ, आप उनका टेंशन मत लीजिए, मैं वैसे भी पार्टी नहीं करती। ठीक है तो यादव, डिपॉजिट और रेंट की बात तो हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही करवा लेते हैं। ठीक है। वैसे नाम क्या बताया? शाहीन कुरैशी। शाहीन कुरैशी, मुसलमान हो? हाँ। यादव। हाँ सर। मैडम थोड़ा अंदर जाओ, बाथरूम देख लो। सर आपका फ्लैट 1 साल से बंद है वैसा भी, और उनको फ्लैट की जरूरत है। कितना टाइम पे देगी सर? अरे बट मुसलमान है, तुम्हें तो पता है मुसलमान लोग कैसे रहते हैं, घर गंदा करते हैं, वास आता है। और नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी का तो रूल बना हुआ है कि मुसलमान टेनेंट को अलाउड नहीं करना है। सो बोलो आप क्या करना है। हाँ तुम ले लो ये फ्लैट, पर हाँ पर क्या? पर क्या मैम, आपका सोसाइटी में थोड़ा नाम छुपाना पड़ेगा आपको। यादव जी आप थोड़े मैडम, थोड़ा नाम छुपाना पड़ेगा। आपके नाम से होगा, सिर्फ आपको नाम छुपाने में आपके बजट में रूम मिला है, और ढंग से रूम मिला है, सिर्फ आपका सोसाइटी के अंदर पैसे छुपाने के, सिर्फ नाम छुपाने के, और इतनी मुश्किल से फ्लैट मिला है वो भी कम बजट में, आपके बजट में। थोड़ा करो। पर मेरी पहचान। मैडम पहचान हो गया, आपके सर के ऊपर छिलको मिला।
लूंगी, नहीं लूंगी। ओके गो। अमारा और ये आपके लिए। हाँ अम्मी जी, हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। अबू को भेजे ना फोटोज, देखिए। ओके ओके, हाँ नहीं संडे को करूंगी सब सेट जी। ओके चलो अम्मी मैं फोन रखती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है। खुदा हाफिज़, बाय। सुबह को लेट हो गई थी। हाँ आईडी कार्ड भी नहीं मिल रहा है। ठीक है अम्मी, हाँ खुदा हाफिज। हाँ बिना पूछे बाहर कैसे रख दिया? अरे शर्मा जी गलती से हो गया होगा। नहीं पर आपको कोई हक नहीं है मेरा सामान ऐसे बाहर फेंकने के लिए। नहीं आप सुनिए मेरी बात, डिपॉजिट और 3 महीने का भाड़ा दे चुकी हूं मैं नहीं करने वाली है घर खाली। गवर्नमेंट ने यहां ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि मुस्लिम अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। कितने ऑर्थोडॉक्स हो यार आप। हाँ आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं भी आपको देखती हूं, मेरी भी फ्रेंड लॉयर है।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Independence Day.